ये लो कुसुम, ये पूरे 20,000 रुपये हैं। इसे सही से काउंट करो और हमारे स्विस के गुप्त खाते में जमा करवा दो। ठीक है सर, मैं इसको काउंट कर देती हूँ। सर, मैंने इसको काउंट कर लिया है, बट इसमें 4,000 रुपये कम है। 4,000 रुपये कम है? पर मुनीम जी ने तो कहा था कि ये पूरे 20,000 रुपये। लाइए, मैं चेक करता हूँ। ये तो सही में 16,000 रुपये हैं। 4,000 रुपये कम है? मुनीम जी से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? वो पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। मैडम एक मिनट रुकिए। हेलो मुनीम जी, आपने जो 20,000 रुपये दिए थे उसमें से 4,000 रुपये कम हैं। क्या पूरे हैं? इसमें तो 4,000 कम है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे कैबिन में आइए, अपने हाथ से गिनके दीजिए। ठीक है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? मुनीम जी, पहले एक बात बताइए, आजकल आपका काम हमें मन नहीं लगता है क्या? हैं, आपने बोला कि 20,000 रुपये भिजवा रहा हूँ, उसमें से 20,000 में से 4,000 रुपये कम है। क्या सर, क्या वो पैसे मैं एक बार वापस गिन सकता हूँ? हाँ मैडम, इन्हें पैसे दीजिए ज़रा। इसमें तो सही में पैसे कम है। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो सकती है? मैं तो खानदानी मुनीम हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी सी रकम में आपने घोटाला कर दिया। अब एक बात बताइए, हमारा जो पैसा है वो ट्रक में भर भर के जाता है, उसमें से 2-4 पेटी गायब हो जाएगा, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा। और तुम्हें पता है, ये बात अगर बाहर पता लगेगी तो हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी। वो सोचेंगे कि हमारी कंपनी में ऐसे कैशियर को रखा है जिसे कैश गिनने ही नहीं आता है। सर गलती तो मुझसे हुई है, एक मिनट सर। ओहो, तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। सर पता लग गया कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। मतलब? अरे कहीं इसको पता तो नहीं लग गया मेरे करतूत के बारे में। मैं बताता हूँ सर कि वो 4,000 रुपये कहाँ गए हैं। हाँ जी मैडम, आप बताओगी या सर को मैं बताऊं कि वो 4,000 रुपये कहाँ गए हैं? चलिए जल्दी बताइए सर को। अरे मुझे क्या पता वो 4,000 रुपये कहाँ गए। सर देखिए ये मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहा है, ये कलका या मुनीम मुझ पे शक कर रहा है। सर मैं इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हूँ, लाखों का हिसाब रखती हूँ, मैंने 1 रुपया इधर से उधर नहीं रखा, और ये मुनीम मुझ पे शक कर रहा है सर। बस मुनीम जी, आप अपनी गलती छुपाने के लिए मैडम पे शक कर रही हैं। तुम्हें पता है मैडम कितने सालों से काम करती हैं? मैडम बहुत अच्छी हैं। तुम अपनी बताओ, तुम क्या कर रहे हो? सर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और सर एक बात बता दूँ, मुनीम और अकाउंटेंट का ना सेम काम होता है, ज़्यादा फर्क ही नहीं होता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए सर, आपकी चैती मैडम के कारनामे। और सर आपको एक बात बताऊं, मुनीम और अकाउंटेंट में ना एक ही फर्क होता है, अकाउंटेंट चोरी करता है और मुनीम ना उस पैसे को पकड़ता है। दिखाइए जरा, नोट में टेप। मैडम एक बात बताओ, क्या कमी रह गई थी आपके पास जो ये सब घोटाला करना पड़ रहा है तुम्हें? क्या हुआ मैडम, अब चुप क्यों हो? बताओ ना सर को, क्या कमी रह गई थी जो ऐसे चोरी करनी पड़ रही है तुम्हें? सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सर, मेरा मेन मोटिव पे सर, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए प्लीज़ सर। मैं देखिए काफ़ी सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने कभी इस कंपनी में लॉस नहीं करा, मैंने ऊपर तक इस कंपनी को लेके गई। बस बस मैडम, बहुत हो गया, अब मुझे आपकी ना एक भी नहीं सुननी। आपको पता है हमारी कंपनी ना एक बड़ा जहाज है, अगर उसमें छेद हो जाए ना तो उसे डूबने में समय नहीं लगता। मुनीम जी आप इनका हिसाब कीजिए, इनको जॉब से बाहर निकालिए। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, अगर आप मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी सर, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। बस मैडम बहुत हो गया आपका। ये पकड़ो आपकी सैलरी और यहाँ से जाइए सर, जाओ। और हाँ मुनीम जी, एक दूसरा अकाउंटेंट ढूंढिए।